हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित विनायक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ रैपिड। ये डीजल मॉडल है और जैसे कि आपको पता है, मैंने एक रैपिड पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जो कि पेट्रोल मॉडल पे थी, वो आप वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो वो गाड़ी का तो मैंने खुद ही रिव्यू दिया था क्योंकि थोड़े दिन मैंने ही वो गाड़ी चलाई थी। पर ये जो डीजल मॉडल है, इसके ऑनर भी मेरे साथ ही हैं, तो हम थोड़ी देर में उनका स्वागत करते हैं तो और ये वीडियो को शुरू करते हैं उनके ऑनरशिप एक्सपीरियंस के साथ। सो गाइस, ऑनर का स्वागत करते हैं। ये है मिस्टर सिद्धार्थ। हेलो 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 सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो सर, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो। या आई एम सिद्धार्थ कपूर, आई एम लिविंग इन मोहाली, सेक्टर 70, राइट, एंड आई एम वर्किंग इन एन आईटी फर्म, एंड दिस इज माय कार, दिस इज माय स्कोडा रैपिड, राइट, एंड दिस आई हैव बीन ओनिंग दिस कार for the last 3 years. Last 3 years, okay. Yeah. So sir, जैसे कि क्या कहते हैं, मैं मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि आपने एक गाड़ी कितने में ली थी? I bought this car from a manager. Okay. Who was a MNC manager. Okay, MNC. It means this is second hand car. This is second hand car. Okay. Yeah, and genuinely it had run 80,000 kilometers. Okay. And I bought this car for 3 lakhs. 3 lakhs. Yeah. सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो मैं ये चाहूंगा कि हमारा जो अगली कन्वर्सेशन हो, वार्तालाप हो, वो हमारा हिंदी में हो। श्योर। सो आर यू क्वाइट कंफर्टेबल विद दैट? हिंदी हमारी मातृभाषा। हाँ जी। तो सर, जैसे कि आपने अभी मेरे को बताया कि ये गाड़ी आपने 3 लाख रुपए में खरीदी, जब ये गाड़ी आपने खरीदी तो ये गाड़ी कितनी चल चुकी थी? जब ये गाड़ी खरीदी, ये 81,000 किलोमीटर चली थी। ओके। और उसके ऊपर अभी मैंने 15,000 किलोमीटर चला लिया है। ओके। तो सर, जब ये गाड़ी आप खरीदी तो उसके मीन्स जैसे लाइक आपने 3 लाख में ये गाड़ी खरीदी, जैसे आप गाड़ी को लेके आए तो उसके बाद इसमें आपको क्या क्या चेंजेस करवाने पड़े, के लिए क्या क्या चीजें चेंज करवानी पड़ी, क्या हुई सर्विस करवानी पड़ी? या बता सकते हो कितना खर्चा ऊपर हुआ? सबसे पहले मुझे इसकी सर्विसिंग प्रॉपर करवानी पड़ी। ओके। और इसमें एक डिफेक्ट जो सबसे शुरू में आया था कि इसकी वाटर बॉडी काम नहीं कर रही थी। ओके। तो वो मुझे रिप्लेस करना पड़ा। ओके। तो आई हैड टू स्पेंड अराउंड 10,000 ओवरऑल, लेबर इंक्लूडेड। यस। तो उसके बाद गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट होगी सर्विसिंग के बाद और कोई इश्यूज नहीं आए। एंड सर, ये मॉडल कौन सा बताया आपने? 2013। yeah. और अभी 22 चल रहा है, तो मीन्स 22 का एनडी आ चुका है। हाँ, तो मीन्स लाइक अप्रॉक्सीमेटली 9 ईयर्स पुरानी गाड़ी लगा। 9 ईयर्स पुरानी। हाँ। तो ठीक है, आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में मिलगी 3 लाख में। हाँ, तो मतलब इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैंने बाकी गाड़ियाँ भी चलाई हैं जैसे कि ये सियाज वगैरह एंड क्रेटा वगैरह, तो ये मुझे थोड़ी हैवी लगती है गाड़ी, बहुत जम के चलती है रोड पे, एंड इसका लॉन्ग ड्राइव में जो मज़ा है वो ये किसी भी गाड़ी को बीट कर देती है। okay. इसका मुकाबला ड्राइव के मामले में आई कैन डू इट टू यू नो ऑडी और BMW। ओके। तो मेरे को ये बताओ, जो इसका इंजन है वो कितने सीसी का? 1600। एक्चुअली ऑलरेडी मैंने 1600 पेट्रोल की एक वीडियो बनाई है। ओके। उसका भी एक्सपीरियंस अच्छा है, बट ये तो आपको जैसे पता ही है कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में जमीन आसमान का फर्क होता है। मीन्स आप परफॉर्मेंस में दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो वैसे एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि सर, लाइक सेकंड हैंड कार आप देख रहे थे तो आपने देखा, तो आपने लाल कलर ही क्यों चूज किया? लाल कलर एक्चुअली मुझे जेन्युइन, ये जो इसका ओनर था, हाँ, ये एक MNC का मैनेजर था। ओके। तो उसने ये गाड़ी बेची है, उसने अगला स्कोडा, उसने ऑक्टेविया न्यू ब्रांड न्यू लिया था। हाँ जी, हाँ जी। तो आई फाउंड दैट पर्सन वेरी जेन्युइन। ओके। तो और जेन्युइन चली थी। हाँ। ही इज लिविंग इन मोहाली। ओके। तो कलर, हाँ, यू नो परफॉर्मेंस वाइज गाड़ी वॉज गुड, कलर आई कुडेंट यू नो चूज एक्चुअली, जो मुझे पसंद आ गई रेड तो फिर इट्स फाइन, वो ठीक है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि कलर भी आप चूज कर सकते हैं, जैसे अकेले वो नहीं है कि जो मैनेजर है कि वही सेकेंड हैंड गाड़ी बेच रहे थे। इफ लाइक अगर आपको स्कोडा पसंद इतनी थी तो आप स्कोडा और भी कहीं देख सकते थे कि आपको और भी कलर मिल सकता था, बिकॉज पर्सनली रेड पसंद। सो ये पर्सनल चॉइस हो सकती है, बिकॉज इफ यू सी जो फेरारी है या जो और बड़े पोर्श वगैरह हैं, दे लुक ब्यूटीफुल इन रेड। या राइट राइट। तो मुझे भी ये मींस पर्सनली चॉइस, पर्सनल चॉइस, इट्स अ पर्सनल चॉइस कि आपको रेड कलर पसंद है। यस यस यस। बट ये तो आपको पता ही होगा कि रेड कलर की जो रीसेल वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा व्हाइट की ही होती है, उसके बाद अगर हम ग्रे कलर देखें या कोई और देखें तो रेड को मींस ठीक है, ये पर्सनल चॉइस है, थोड़ा सा डिप्रिशिएट होता है कलर वाइज,
यू नो एंड यू डोंट गेट दैट रीसेल वैल्यू, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये है कि मैंने ये कार अपने यूसेज के लिए ली है, यूसेज के लिए, तो मैं इसको आई वांट टू यूज इट फॉर लॉन्ग. ओके, तो अब आपको कितना टाइम हो चुका है इस गाड़ी को यूज करते हुए? तीन साल. तो तीन साल में जैसे अब बस ये नॉर्मल सर्विसेज करवाते हो इसके, आपके 10,000 किलोमीटर सर्विसिंग होती है इसकी? हाँ जी. और अभी इसमें और कोई डिफेक्ट नहीं है. ओके, एंड परफेक्ट रनिंग वाइज कोई नो इश्यूज एट ऑल. तो आपने कभी इस गाड़ी के साथ अपहिल्स का एक्सपीरियंस किया? अपहिल्स हैं, हम शिमला दो बार ही हुए हैं, कसौली हम जाते रहते हैं. तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत पावर अच्छी रहती है, परफेक्ट, बहुत बहुत बढ़िया. एक क्वेश्चन है मेरा, बहुत लोग कहते हैं कि जैसे ये स्कोडा की गाड़ियां हैं कि इनके ना इंजेक्टरों में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, सच सच बताना कि आपको कभी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है? मुझे एक बार ही मुझे ये प्रॉब्लम आई थी. अच्छा, आई आपको भी आई थी? आई थी, क्योंकि ये मेरे का दो बुश जो हैं जहां पर इंजेक्टर फिट होते हैं, ओके, वो बुश कट गए थे, ओके, डैमेज हो गए थे, राइट. तो वो मैंने बुश उसके चेंज कराए थे, उसका ज्यादा खर्चा नहीं आया था, 4,000 आया था. ओके, तो बट वो बुश चेंज करने के बाद इंजेक्टर दोबारा प्लेस करने में बिल्कुल परफेक्ट हो गया. ओके, तो कुछ मेजर नहीं था उसमें. राइट राइट राइट. सो सिद्धार्थ, आप मेरे को एक बात बताओ. मैंने थोड़ा सा ना जैसे वीडियो में आ रहे हो, तो मैंने थोड़ा सा नोटिस किया कि ये गाड़ी व्हील कप में ही चल रही है. अभी आपने जैसे थोड़ा सा बताया कि आई एम बिट क्रेजी अबाउट रेड कलर. Yes. तो आई थिंक जो जैसे लोग स्पोर्ट्स कार अभी आपने कंपेयर किया कि मेरे को वैसी चीजें पसंद है, तो उनके तो जैसे इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है उसके शूज से होती है. तो आपने इसके अलॉयज क्यों नहीं डलवाए? तो अभी तक ये रिम पे ही चल रही है. बड़ा अच्छा वैलिड क्वेश्चन है. और अगर इसमें अलॉयज हम डालते हैं, हाँ जी, तो इसकी जो लुक बहुत ज्यादा एनहांस होगी, चेंज हो जाएंगी. हाँ जी, एंड इट विल लुक वेरी स्पोर्टी. यस, तो मेरा ये प्लान है, बट मेरा ये प्लान जो है टू बी वेरी ट्रू मार्च तक है. मार्च तक नहीं, वो मैं मान गया, बट आप ये गाड़ी ऑलरेडी 3 साल से चला रहे हो. हाँ, तो 3 साल से कोई प्लान ही नहीं बना क्या आपका? 3 साल से ऐसा सच प्लान नहीं बना, क्योंकि व्हील कैप में भी ये ठीक ही लगते हैं, इट्स इतना खराब नहीं लगते. एंड हाँ, मेरा भी नेक्स्ट यही प्लान है कि मुझे अलॉयज नए दलवाने. सर, आपकी ना स्टेटमेंट बिट थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. आपको अभी स्पोर्ट्स कार के साथ इसको मैच कर रहे थे, बट अभी आप कह रहे हो कि इट इज लुकिंग गुड विद व्हील कप्स. तो थोड़ा बताओगे आप? बट यू कैन नॉट कंपेयर, आप अलॉयज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. ओके, तो मेरा ध्यान एक्चुअली उस तरफ इतना गया नहीं. अच्छा, मींस ज्यादा तो शौक नहीं होगा आपको? हाँ, मतलब मैं खुश था अभी व्हील कैप के साथ. एंड बट हाँ, मेरा फ्यूचर में प्लान है कि इसको मैं अलॉयज में चेंज करूँ. और मेरे चारों टायर्स भी नए हैं. आई हैव दिस सीएट टायर्स इन फ्रंट, सीएट टायर्स, ओके, एंड आई हैव बिहाइंड आई हैव द अदर टायर्स, ओके, व्हिच इज आल्सो ब्रांड न्यू. ओके ओके, योकोहामा. योकोहामा और मिशेलिन के टायर्स बहुत अच्छे हैं, जब भी चलते हैं मैं उनकी आवाज नहीं आती. बहुत अच्छे हैं. तो ये मेरा प्लान है कि मैं नेक्स्ट अभी अलॉयज ही करवाऊंगा इन द कमिंग मंथ्स. ओके, श्योर. सर, एक बात और, जैसे आप मोस्टली ये गाड़ी को लोकली ड्राइव करते हो कि लॉन्ग रूट्स पे भी लेके जाते हैं? नहीं, ये लोकल तो चलती है, लॉन्ग रूट्स पे भी हम जाते हैं. मोस्टली ज्यादा कहाँ ड्राइव करते हो? मोस्टली तो अभी तो लोकल ही है. लोकली, लोकल में क्या एवरेज देती है ये गाड़ी? लोकल में टू बी वेरी ट्रू ये एवरेज मेरे को 18+ दे देती है. सीरियसली? हाँ, 18+ दे देती है. इसकी डीजल पे 18+. मेरे पास सेकंड कार भी है, इट्स अ पेट्रोल वैगनर. ओके, बट उसकी एवरेज इसके मुकाबले बहुत कम है. इसकी एवरेज पेट्रोल की हमेशा ही कम रही है, बट 18 की एवरेज वो भी लोकल लोकल लोकल. और मेरे को लगता है कि जब हम हाईवेज में जाते हैं या हम लॉन्ग डिस्टेंस में, तो ये इजीली 20-22+ दे देती है. तो जैसे आप वैसे लेके गए हो, तो कितनी का आपने मेजर करी है? हम इसको एक बार कुरुक्षेत्र भी ले गए थे. ओके, और शिमला वगैरह भी ले गए थे. तो आई थिंक 20+ इजीली इसकी एवरेज है. एवरेज वाइज आई एम डैम हैप्पी. ओके, दैट्स ग्रेट. तो मींस जैसे सिर्फ आपको ये गाड़ी 3 लाख में मिली, ऊपर से एवरेज इतनी अच्छी, तो आपके लिए तो पैसा वसूल गाड़ी होगी. आपने तो 3 लाख अभी 3 साल में पूरे ही कर लिए होंगे. ओनर मैं बहुत खुश हूँ. हाँ, इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस से, इसका रनिंग जो है, इट इज सो स्मूथ, बड़ी जम के चलती गाड़ी रोड पे. राइट, हैवी है. राइट, यू नो. एंड सेकेंडली, द एवरेज इज सो गुड. और आप एज अ ओनर, आपको क्या चाहिए? हाँ, जैसे अभी आपने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, कहीं ना कहीं तो आपको इस गाड़ी में ड्रॉबैक्स लगे होंगे, कुछ तो बताइए. ड्रॉबैक्स इसका खाली ये है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है.
ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला था, आपने मेरे को पहले आंसर दे दिया। ग्राउंड क्लीयरेंस, यस ग्राउंड क्लीयरेंस कम है तो मुझे थोड़ा सा जो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं जो यू नो कई बार प्रॉपरली नहीं बनते होते हैं स्पीड ब्रेकर्स, तो उसमें मुझे बहुत आराम से लेना पड़ता है। और फिर जैसे हिल्स में भी आप कहते हो कि आप कभी कभी जाते हो इस पे, तो वहाँ पे भी बहुत दिक्कत आती होगी कि रोड काफी खराब है। इसमें ऐसा दिक्कत नहीं आई है, हाँ बिकॉज ये थोड़ा सा यू नो इसका ग्राउंड क्लीयरेंस कम है, तो ऑल आई नीड टू टेक केयर ऑफ जैसे बम्पी हो गया, रोड्स हो गए या स्पीड ब्रेकर्स हो गए, तो उसमें थोड़ा सा मुझे धीरे चलना पड़ता है। आई कैन नॉट रश अप क्योंकि वो लगने का फिर डर है। बट एज यू से एसयूवीज और एक सेडान में फर्क तो रहेगा, फर्क तो रहेगा ग्राउंड क्लीयरेंस का फर्क। दिस इज वन ड्रॉबैक, यस आई कैन से this is one the ground clearance. Apart from it, आपको इसमें कोई drawback लगता हो? नहीं आये, इसका AC बहुत बढ़िया है, AC बढ़िया है, इसका inbuilt इसका music system है, okay, बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, and कोई issue नहीं है। Manual है कि automatic है ये? क्या चीज? नहीं, this is manual. 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 5 gears. Okay. तो क्या आप आगे कभी future में prefer करोगे कि आप automatic गाड़ी पे जाओ? नहीं, I prefer manual. What manual, is the reason behind it? मैनुअल का रीजन ये, मैनुअल में आपके कमांड में है वो, हाँ राइट, ठीक है ना, तो और उसमें आई फील कि उसकी एवरेज बेटर होती है जो मैनुअल चलाते हैं रादर देन ऑटोमेटिक। ओके। और ऑटोमेटिक में उसमें जो उनकी ऑटो शिफ्टिंग होती है उनके गियर्स, उसमें कभी ना कभी कभी वो इश्यूज आ सकते हैं, यू नो, इतने मैनुअल इश्यूज नहीं आते इतने गियर्स में। ओके। तो एक बात और, जैसे अभी आपने कहा था कि अप्रोक्सीमेटली ये गाड़ी 85,000 किलोमीटर चल चुकी है। नहीं, अभी तो ये चल चुकी है 96,000। यस, आई एम रियली सॉरी, आपने कहा था 85,000 पे ली थी, 80,000 पे ली थी, और अभी तक ये 96,000। तो इसका कोई टाइमिंग बेल्ट का काम हुआ है? नथिंग। और क्लच का काम? क्लच का तो मेरे ख्याल से हो जाता है, क्योंकि अगर वरना वरना को देखें तो उसका 50-60,000 पे क्लच प्लेटों का काम होता ही होता है। अभी तक इसका क्लच का काम तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं हुआ है इसका जो दो काम हुआ है। फिर तो सही है, काफी ड्यूरेबल है ये चीज, है ना? हां, बहुत ड्यूरेबल है, और इसकी गियर शिफ्टिंग इज वेरी गुड, स्मूथ है। ओनली दो इशू जो मैंने बताए थे, वो एक तो जो इसका इंजेक्टर का, हाँ राइट राइट, वो बात, एंड सेकंडली वाटर बॉडी जो थी वो रिप्लेस करवाया था उसका। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्विसिंग मैं टाइम से कराता हूँ इसकी, अच्छा, एंड ऑयल चेक कराते रहता हूँ, एवरीथिंग इज फाइन आफ्टर सर्विसिंग, ओके, पीरियोडिकली कराता हूँ, ओके। और सर ये बताओ, इसकी जो लाइट्स हैं इसका थ्रो कैसा है? इसकी लाइट्स की बल्ब मैंने चेंज करवाई है। अच्छा, मीन्स जो कंपनी फिटेड रहती है वो ठीक है? मैंने हाई थोड़ा, मीन्स वो उसका थ्रो नहीं था, आप यही कहना चाहोगे? हाँ, उसका थ्रो इतना नहीं था, मैंने हाई आउटपुट वाला लिया। अच्छा, तो ये कंपनी से डलवाया कि बाहर से डलवाया? ग्लो है। नहीं, ग्लो है, ये कंपनी से डलवाया या बाहर से डलवाया? नहीं, ये मैंने बाहर से डलवाया। तो मीन्स कहने का मतलब है कि जो स्कोडा है वो जो गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बन के आती है उसका थ्रो उतना नहीं होता? उसका थ्रो उतना नहीं, उतना नहीं, मेरे को वो चेंज करना, राइट, बिकॉज मेरे को लाइट थोड़ा सा पावरफुल चाहिए, तो वो मैंने थोड़ा हाई एंड लगाया, राइट। तो सर एक बात और बताओ, जैसे मैं दूर से ही देख पा रहा हूँ कि इस गाड़ी में सनरूफ भी नहीं है, जैसे कि पुरानी गाड़ी है, तो आजकल लोग बहुत पीछे भागते हैं, सनरूफ होनी चाहिए गाड़ी में, क्या आपको इसकी कमी महसूस नहीं होती? कमी महसूस होती है, होती है। मुझे सनरूफ बहुत पसंद है। नहीं, पसंद है, पर उसका फायदा क्या है मेरे को वो भी बता दो थोड़ा सा, आपको क्या फायदा? जैसे आप हिली एरियाज में जाते हैं, राइट, तो मौसम बहुत सुहाना, अच्छा है, अच्छा, तो थोड़ा सा आप उसको सनरूफ खोल लीजिए, फ्रेश एयर लेके अपना खड़े हो जाइए, जैसे बच्चे हैं, हाँ जी, तो दे कैन हैव सम फन। ओके। तो आप ना, एक पर्सनली मुझे सनरूफ ही पसंद है। ओके, सनरूफ पर्सनली पसंद है। ओके ओके ओके। तो फ्यूचर में क्या प्लानिंग रहेगी, कब तक रखने का इरादा है इस गाड़ी में? अभी तो मेरा पूरा प्लान है कि गाड़ी में अपने पास ही रखूंगा इसको। कितने साल? एटलीस्ट अनदर 5 years। 5 years? यस। और इसके साथ भी कोई गाड़ी और खरीदना सोचे है खरीदने के लिए, या फिर अभी इसी को ही रखूं? नहीं, अभी तो यही प्लान है कि इसी को। ओके ओके, सही है, क्योंकि अगर गाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड इवन ओनर डोंट हैव एनी, मेन थिंग इज कि अगर मैं पेट्रोल भी लेता हूं, हाँ जी, व्हिच आई कैन बाय, जैसे किया की है जो, या बट उसकी मेरे को एवरेज का लगता है कि वो एवरेज का, तो पेट्रोल का हमेशा ही रहेगा कुछ ना कुछ। अगर वो ये देखे, ये बहुत जम के चलती है, हाँ जी, ड्राइविंग प्लेजर है, एवरेज भी बहुत अच्छी है, तो आई एम वेरी हैप्पी ओवरऑल, हैप्पी कस्टमर, वेरी हैप्पी, इसी रीजन से मैं रखना भी चाहता हूँ। ओके, इफ आई वाज नॉट हैप्पी तो फिर मैं सेल ऑफ का सोचता हूँ। राइट, सो सिद्धार्थ जी, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम ऑल्सो, थैंक यू। सो गाइज, ये था देख लो ओनरशिप एक्सपीरियंस स्कोडा रैपिड डीजल का। तो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।